सो गाइस, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो आप लोग को यह चीज जरूर पता होगा कि आप लोग के सेंटर पर एक न एक ग्राहक जरूर ऐसे आते हैं जिनके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो होता है, लेकिन उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर न होने की वजह से, आधार ओटीपी न मिल पाने की वजह से आप लोग उनका आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप मैनुअल आधार प्रिंट कैसे करेंगे। आपके सेंटर पर ऐसे भी ग्राहक आते होंगे जिनके पास केवल पैन नंबर होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ पता होता है और पैन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर ना होने की वजह से आप लोग उनका पैन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग मैनुअल पैन कार्ड प्रिंट कैसे करेंगे। आपके पास ऐसे भी ग्राहक आते होंगे जिनके पास केवल निर्वाचन कार्ड का नंबर रहता होगा, तो आप लोग निर्वाचन कार्ड के नंबर के माध्यम से आप लोग मैनुअल प्रिंट कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर कई सारे सर्विसेज हैं, एक एप्लीकेशन का यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं और लोगों को इससे रिलेटेड सर्विसेज देते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो के बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए केवल जानकारी पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। मेरा काम है बस आप लोगों को जो भी अवेलेबल है चीजें, ठीक है, जो भी आप लोगों को वेबसाइट पर अवेलेबल है चीजें, गूगल पर अवेलेबल है चीजें, उससे रूबरू कराना, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली यह एप्लीकेशन भी है, साथ में इसका वेबसाइट भी है, आप लोग वेबसाइट में भी जाकर के काम कर सकते हैं। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली साइट का नेम है csp photoprint.in, ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल ऐप आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के पहले सर्विस के बारे में, तो इसमें है पासपोर्ट साइज फोटो का, यानी कि पहले देखिए आप लोग को कहीं पर अगर फोटो खींचते हैं तो उसे पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे एडिट करना पड़ता है। लेकिन आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए सिंपली जैसे यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो पर क्लिक करेंगे, गैलरी से आप लोग फोटो यहाँ से एक उठाएंगे और फोटो उठाने के बाद आप लोग यहाँ से इसे रिसाइज कर लेंगे कि कितना बड़ा चाहिए, कितना जो कि छोटे में चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर जो सही का मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने फोटो चाहिए, 8 फोटो चाहिए या 12 फोटो चाहिए। इसके बाद क्रिएट फोटो पर क्लिक करके यहाँ से पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब सेकंड सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो वैसे में आप लोगों के पास कई सारे ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप पर आधार कार्ड का फोटो भेजते हैं, फ्रंट का अलग भेजते हैं, बैक का अलग भेजते हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए फ्रंट साइज का यहाँ से जो है कि पिकअप कर सकते हैं और यहाँ से फ्रंट साइज का पिकअप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्रॉप कर लिया, ठीक। इस तरीके से सेकंड साइज का भी, मतलब कि बैक साइड का भी आप लोग फोटो यहाँ से रिसीव करेंगे, ठीक है, और उसे भी आप लोग यहाँ से रिसाइज कर लेंगे। और इसके बाद आप लोग इसे सीधे देख सकते हैं कि ये एक आधार जो है कि के साइज में यहाँ पर हो चुका है और इसे आप लोग डायरेक्टली इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब आप लोग को इसमें क्रॉप या फिर हेन तेन करने की जरूरत नहीं है। अभी इस एप्लीकेशन के नेक्स्ट सर्विस के बारे में बात करते हैं, वो है मैनुअल आधार प्रिंट, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअल आधार प्रिंट, यानी कि देखिए अगर आपके पास ग्राहक का फोटो कॉपी है आधार कार्ड का तो आप लोग यहाँ पर जो है कि मैनुअली उसका आधार प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि उसका नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है, समथिंग उसका नाम दे देंगे जो भी उसका नाम रहेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक, डेट ऑफ बर्थ सिंपली यहाँ पर दे देंगे जो भी ग्राहक का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जो है कि ग्राहक का आधार नंबर देना होगा, जो भी समथिंग आपके पास आधार नंबर होगा वो आधार नंबर यहाँ पर दे देंगे ग्राहक का, जो उसके फोटो कॉपी में आधार नंबर होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आधार नंबर देने के बाद सिंपली यहाँ पर वर्चुअल जो है कि नंबर भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली मेल है फीमेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप लोगों को देना पड़ता है, जैसे सन आप हो गया, ठीक है, और एड्रेस हो गया, और नीचे वाला एड्रेस ऑप्शनल है। यहाँ पर जो है कि नाम फिर से आप लोग को देना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है, जो भी हिंदी में नाम होगा, ठीक है, ये आप लोग को हिंदी में नाम देना होगा, ठीक। इसके बाद फिर से वही जो ऊपर में दिए हैं वही हिंदी में नाम देना होगा, ठीक है, ये भी वैकल्पिक है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर
पर बोला जा रहा है डू यू वांट टू प्रिंट वार्निंग टेस्ट, ठीक है, फोटो, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो आप लोग को अपलोड करना होगा ग्राहक का, जो उसके आधार कार्ड में जो है कि फोटो होगा, ठीक है, यहाँ फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो है कि यहाँ पर आधार यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन लगा हुआ है। बेसिकली जब आप यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, तो यह पूरी तरीके से ये रेड लाइन जो है इसे हटा दिया जाएगा, ठीक, प्रिंट करेंगे तो आप लोग अगर एडिट करना चाहते हैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मैनुअल जो है कि किसी का आधार बना सकते हैं। और बता दें कि यह केवल जानकारी पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड करने के लिए नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट के बारे में आप लोग बता दें, दूसरा है देखिए मैनुअल वोटर कार्ड प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग सिंपली जो है कि फादर का नाम आप लोग यहां पर दे दीजिए, जो भी फादर का नेम देना है, एपिक नंबर आप यहां पर देख सकते हैं जो भी उसका, ठीक है, एपिक नंबर होगा, ठीक है, एपिक नंबर देने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहां पर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर सेम वही आ जाएगा, एड्रेस वगैरह मांगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पार्ट नंबर मांगेगा, पार्ट नंबर देने के बाद आपको जो है कि और भी डिटेल देना होगा, जैसे कि 403 विधानसभा क्षेत्र 405, ठीक है, या फिर जो भी होगा आपका 90-95, ठीक है, ये आप लोग दे देंगे। भाग का नाम देंगे फिर वही से हिंदी में, ठीक है, आप भी आप लोगों ने इंग्लिश में दिया, ठीक, यहां पर दे देंगे और ये दे देंगे। इसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू फॉर्मेट पूछ रहा है कि ओल्ड फॉर्मेट, तो सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मेट आप लोग को चाहिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक फोटो आप लोग को सिंपली सेलेक्ट करना होगा जिसका मैनुअल जो है कि वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो है कि मैनुअल वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ये बता दें कि आप लोगों के लिए केवल जानकारी पर्पस के लिए है। इसी तरीके से आप लोग पैन कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग जो है कि ई श्रम कार्ड भी प्लस आप लोग का मैनुअल आभा प्रिंट भी आप लोग कर सकते हैं, ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज कंप्रेसर है, इसके अलावा आप लोग जो है कि इमेज रिसाइज कर सकते हैं, जेपीजी टू पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इस एप्लीकेशन की सर्विसेस आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।